हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट अबाउट क्लास टेन सब्जेक्ट जियोमेट्री है लेसन फर्स्ट है सिमिलैरिटी जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 देखने वाले हैं तो वीडियो पूरा देखिए अगर मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो आपको फ्रेंड में भी शेयर कीजिए क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन फर्स्ट है इन फिगर वन और वन एंगल ए बी सी है सेवनटी फाइव ए बी सी सेवनटी फाइव देकर है ई डी सी सेवनटी फाइव है ई डी सी ये भी सेवनटी फाइव है स्टेट विच टू ट्रैंगल्स आर सिमिलर एंड बाई विच कौन से ट्रैंगल कौन सा टेस्ट से सिमिलर होते हैं ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू बाय अ प्रॉपर वन टू वन 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 तो टू वनस्पॉन्डेंसोंडेंस देकर हमको उसको सिमिलर शो करना है प्रूव करना है तो चलो जो एंगल देकर है वही हम ट्रेंगल ले लेंगे इन ट्रैंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल ई e, ठीक है ये ए बी सी और ईडीसी e, जो एंगल देकर है वही ट्रैंगल ले लेंगे हम ओके okay? सो एंगल ए बी सी एंगल ई डी सी या तो फिर इक्वल भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू सेवेंटी फाइव डिग्री तो ये देकर ना हमको गी वन ओके जो रहे वो हमने पहले लिख लिया अब इसके साथ ही ये ट्रायंगल को एक बार देखो आप ए बी सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल और क्या है ई डी सी ये ई डी सी ये छोटा वाला ट्रेंगल इसमें ये एक कॉमन दिख रहा है क्या नहीं एंगल सी तो यही लिख लेंगे हम सो so, एंगल ए सी बी कॉन्ग्रोन टू एंगल डी सी ई डी सी ई तो क्यू क्यू क्या कॉमन एंगल है ये कॉमन एंगल है ना कॉमन एंगल जब हो रहा होगा तो वो कॉम वो क्या बोलेंगे उसको हम इक्वल ही रहेगा सो हिन्स ट्रैंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रैंगल ई डी सी ए बी सी सी ए बी सी डी सी ठीक है सो ये कॉन्ग्रोअ हो गए हैं कौन से टेस्ट से बाय टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट ओके, तो दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रोएंट रहे तो वो ट्रैंगल सिमिलर हो जाएंगे ये हमारी प्रॉपर्टी है और हेंस ट्रैंगल ए बी सी सिमिलर टू तो ट्रैंगल ई सी e, बोलो या सी e, बोलो तो हम डी ई सी लेंगे अगर प्रॉपर वन टू वन करेस्पोंडेंस लिया तो जैसे कि मैंने बताया था ए सी बी डी सी ई सो ए बी सी डी सी ई डी ई सी ओके सो प्रॉपर वन टू वन करस्पॉन्डेंस वन टू वन करेस्पोंडेंस मींस इसका मीनिंग क्या होगा कि ए डी को डी के जैसा बी ई e के जैसा बी ई एंड सी सी के जैसा तो उसको बोलते हैं प्रॉपर वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंट चलो क्वेश्चन सेकंड देख लेंगे हम क्वेश्चन सेकंड है आर द ट्रेंगल्स इन फिगर आर सिमिलर इफ यस बाय विच टेस्ट कौन से टेस्ट से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो चलो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं तो ट्रायंगल्स देख रहे हैं हमें पी क्यू आर और एल एम एन अब हम इसका रेशो अगर देखें अगर वो रेशो कॉन्ग्रुएंट रहा या इक्वल रहा तो हम बोल सकते हैं कि SSS टेस्ट से वो सिमिलर हो जाएंगे, है है? ना? So in triangle PQR and triangle LMN. PQR और में हमको क्या मिल रहा है? देखो सिक्स अपॉन थ्री सो थ्री वन जार थ्री थ्री टू जारिक्स टू इज टू वन उसके बाद पी आर अपॉन एल एन पी आर अपॉन एल एन टेन अपॉन फाइव तो ये भी आ गया टू बाई वन और उसके बाद है क्यू आर अपॉन एम एन क्यू आर है एट एम एन फोर एट अपॉन फोर सो ये भी है टू अपॉन वन सो ये रेशो क्या आया इक्वल आया इसलिए हेंस पी क्यू अपॉन पी एल एम इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन है क्या नहीं सो so इसको चलो नंबर भी दे देते हैं बाद में फिर वो पूछने का कोई टेंशन नहीं कि फ्रॉम वन टू एंड थ्री वन टू थ्री से ये रेशियो जो है वो इक्वल हो रहा है तो हेंस ट्रायंगल पीक्यूआर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एलएमएन ठीक है सो बाय एसएसएस टेस्ट एसएसएस टेस्ट से साइड 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 टेस्ट से ये ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हो रहे हैं उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है शोन इन फिगर 1.57 टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड फोर मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड सो दो पोल्स है पी आर और ए सी ये परपेंडिकुलर है अब परपेंडिकुलर बोलने के बाद ये 90 डिग्री हो जाएंगे इसमें कोई शक नहीं है इफ द लेंथ ऑफ शेडो शेडो देकर है कि पहले की शेडो सिक्स मीटर है तो दूसरे की फाइंड आउट करो ठीक है सो so, ज्यादा डीप में नहीं जाते हुए अपन डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे हम सो so, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी नाइन्टी डिग्री क्यू पोल्स आर परपेंडिकुलर पोल्स परपेंडिकुलर रहते हैं ना ठीक है नी तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं नाइन्टी डिग्री उसके बाद अब हम ले सकते हैं रेशो पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी अब ये क्यू लिया हमने बिकॉज ट्रैंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रेंगल ए बी सी ये जो ट्रेंगल पी क्यू आर है ये सिमिलर है ट्रेंगल ए बी सी को ऐसा क्यू क्योंकि सन की जो रेज है ये सन की रेज कैसी पैरल पड़ेगी बहुत दूर से आ रही है रेज इसलिए ये प्रॉपर प्रपोर्शन में ही रहेगा अब ये पोल्स है पोल्स तो प्रपोर्शन में दे दिया उन्होंने के फोर, एट, हैट, उनकी साइज दे दी। अब जैसी उनकी शेडो है वो भी उसी प्रपोर्शन में पड़ेंगी। जैसे कि आप और आपके साथ में आपके फादर खड़े होंगे तो आपके फादर की शेडो लंबी पड़ेगी और आपकी शेडो छोटी पड़ेगी है ना क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा होंगी तो समझ में तो वैसा ही पोल के साथ होगा इसलिए ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी को और ये सिमिलर होगा तो हम रेशो को इक्वल लिख सकते हैं और जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे हम पी आर फोर ए सी एट इज इक्वल टू क्यू आर सिक्स और बी सी एक्स सो फोर एक्स इज इक्वल टू सिक्स इंटू एट सो एक्स इज इक्वल टू सिक्स इंटू एट अपॉन फोर फोर टू जार एट हेंस एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेल्व सो द शेडो ऑफ

सी क्यू बी ये दोनों ट्रैंगल सिमिलर है ऐसे प्रूफ करना है और ए पी अगर सेवन है तो ए सी को फाइंड आउट करना है तो ये ए पी सेवन है बी क्यू एट है ए सी फाइंड आउट करना है और बी सी ट्वेल्व देकर है तो ये जितना देकर है वो मैंने लिख लिया है तो चलो फाइंड आउट करते हैं हम so, सो इन ट्रैंगल ए बी सी पहले हम ट्रैंगल ए बी सी की तरफ चलते हैं कि इन ट्रैंगल ए बी सी क्या हो रहा है ए बी सी के अंदर ए पी पर टू बी सी ऑलरेडी देकर है और बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी ये हमको देकर है समझ में है हेंस एंगल क्यू इज इक्व टू एंगल पी इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री ये पी और क्यू इतना तो देकर ही है ना हमको सो so, अब इन ट्रेंगल सी पी ए एंगल ट्रैंगल सी पी ए की तरफ देखो एंड ट्रैंगल सी क्यू बी सी क्यू बी जो दो ट्रायंगल हमको पूछे सिमिलर है क्या नहीं वो ट्रायंगल के तरफ चल रहे हैं हम सो एंगल क्यू कॉन्ग्रुन टू एंगल पी क्योंकि बोथ क्या है 90 डिग्री अभी देखा हमने एंगल सी एंगल सी देखो एंगल क्यू और एंगल पी 90 डिग्री है फिर एंगल सी कॉमन एंगल है तो कॉमन एंगल तो सेम ही रहेगा ना एक ही एक ही एंगल की बात चल रही तो खुद के ही मेजरमेंट को तो सेम रहेगा ही कॉमन एंगल सो हेंस ट्रायंगल सी पी ए कॉन्ग्रुन टू सॉरी सिमिलर टू सिमिलर टू ट्रैंगल सी क्यू बी ए दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं सिमिलर होते हैं ए ए टेस्ट से हेंस ए सी अपॉन बी सी ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ये है ए सी ये बी सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी क्यू करस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रोन ट्राइंगल ओके सो ए सी ही पूछा है हमको सो ए सी इज इक्वल ए सी अपॉन बी सी कितना है ट्वेल्व इज इक्वल्स टू सेवन अपॉन एट सो ए सी इंटू एट इज इक्वल टू सेवन इंटू ट्वेल्व ए सी इज इक्वल्स टू सेवन इंटू अपॉन एट फोर टू जार एट फोर थ्री जार ट्वेल्व ट्वेंटी वन अपॉन टू सो इज इक्वल्स टू टेन पॉइंट फाइव सो ए सी कितना मिला हमको टेन पॉइंट फाइव इतना मिला है तो so स्टूडेंट्स ऐसे टाइप से हमको सॉल्व करना है और पूरी तरह से जो ट्रेंगल पूछे है वो ट्रैंगल को कोई ना कोई ट्रेस से तो भी हमको उसको इक्वल लाना है यानी इक्वली बार बार आ रहा है सिमिलर करना है और अगर वो सिमिलर होगा तो फिर रेशो वगैरह सेम है और फिर वैल्यूज पुट आउट करो कोई प्रॉब्लम नहीं आंसर हमारा रेडी ओके okay, उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ देखेंगे हम इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस पी क्यू टू एस आर ए पी फाइव ए पी देकर है ए एस फाइव ए क्यू देकर है तो प्रूफ करना है एस आर इज इक्वल टू फाइव पी क्यू तो चलो हम करेंगे प्रूफ ओके सो इन ट्रायंगल पी ए क्यू पी ए क्यू और उसका साथ में क्या रहेगा आर ए एस बड़ा ट्रायंगल एंड ट्रायंगल आर ए एस एंगल पी कांग्रोन टू एंगल आर एंगल पी टू एंगल आर एंड एंगल क्यू कॉन्ग्रोन टू एंगल एस एंगल क्यू कॉन्ग्रून टू एंगल एस ऐसा क्यू लिया होगा मैंने अब ये देखो ये जेड दिख रहा है क्या और ये जेड में क्या किया मैंने ये एंगल और ये एंगल कांग्रुव और फिर उल्टा जेड ये एंगल और ये एंगल और ये कॉन्ग्रोटली है क्योंकि पी क्यू पैरल टू आर एस देकर है पी क्यू पैरल टू आर एस ये देकर है क्या नहीं और इसलिए ये अगर पैरेलल लाइन देखे और ये अगर उसकी ट्रांसवर्सल देखे तो ये पेयर्स कौन से है अल्टरनेट एंगल्स है क्या नहीं और अल्टरनेट एंगल्स क्या रहेंगे कॉन्ग्रुएंट सो अल्टरनेट एंगल्स ये हमारा उसको रीजन हमने दे दिया है हेंस एंगल ए भी कॉन्ग्रोएंट होता है एंगल ए से क्योंकि वो तो है कॉमन एंगल ट्रायंगल पी ए क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर ए एस सो बाय ए ए ए टेस्ट ए ए ए टेस्ट से क्या होंगे वो सभी सिमिलर हो जाएंगे वो ट्रायंगल और अगर वो सिमिलर होंगे तो उनका रेशियो भी क्या रहेगा इक्वल सो ए पी अपॉन ए आर इज इक्वलू अपॉन ए एस इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस ओके सही रेशो सेम रहेगा बट ए आर इज इक्वल टू फाइव एपी गिवन है देखा हे आर अपॉन एपी इज इक्वल टू फाइव इज टू वन और इसका ही अगर उल्टा किया तो एंड एपी अपॉन ए आर इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव समझ में आया कितने हो जाएंगे फिर आप वन बाय फाइव है क्या नहीं वन बाय फाइव अब ये वन बाय फाइव होंगे तो एस इज इक्वल टू फाइव ए क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू फाइव पी क्यू ये हो जाएंगे अब देखो स्टूडेंट क्या किया है? हमने ट्रेपेजियम देकर है ट्रेपेजियम में दोनों लाइंस यानी पी क्यू और एस आर ये एक पैरल देकर है और ये दोनों भी उनके ट्रांसवर्सल पकड़ सकते हो आप उसको कंसिडर कर सकते हो तो ट्रैंगल पी ए क्यू और आर PAQ एस पी ए क्यू और आर एस में हमने देखा कि ए ए ये तो कॉमन एंगल हो गए ठीक है अब ए ए कॉमन एंगल नहीं सॉरी ये अपोजिट एंगल होना चाहिए ना क्योंकि ए ये नीचे की बात चल रही थी और वो ए ऊपर की सो अपोजिट एंगल्स ठीक है तो ये अपोजिट एंगल मिल गए दूसरी बात ये दोनों जो एंगल्स है पी और आर क्यू और एस सो दीज आर द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इसलिए ट्रैंगल पी ए क्यू और आर ए एस कॉन्क्रंट हो गए सिमिलर हो गए इसलिए उनका रेशियो भी सिमिलर रहेगा यानी इक्वल रहेगा और ए आर इज इक्वल्स टू फाइव ए पी देकर है सो ए आर इज इक्वल है इसलिए ए एस इज इक्व फाइव ए की और आर एस इज इक्वल टू फाइवी हम दिखा सकते हैं क्योंकि तीनों तो भी क्या है इक्वल तो so, वही हमने दिखाया है तो चलो उसके बाद क्वेश्चन सिक्स देखते हैं हम इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी ए बी पैरल टू डी सी है डायगोनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट हो रहे पॉइंट ओ पर इफ ए बी इज ट्वेंटी डी सी इज सिक्स ओ बीन देन फाइंड ओडी तो ठीक है तो यह है ट्रेपेजियम ए बी सी डी जो कि हमने लिख लिया है So, ये ऊपर इंटरसेक्ट हो है हमको ट्वेंटी डी सी देकर डी को फाइंड आउट करो और ये हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं? जब इसका रेशो हमको पता चला तो ठीक है नहीं? और ये रेशो कब पता चलेगा जब हम ट्रायंगल सिमिलर बताएंगे तो सो so, इसलिए चलो देखेंगे हम एंगल सी कॉन्ग्रो टू एंगल ए और एंगल डी कॉन्ग्रो टू एंगल बी मन से लिखा क्या मैंने एंगल सी कॉन्ग्रो टू ए और डी कॉन्ग्रो टू बी बीच अपन ने देखे इसके पहले का क्वेश्चन फिफ्थ था उसमें हमने क्या देखे कि ये कौन से पेयर है अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स की पेयर मिल रही है ना हमको एंड एंगल ओ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ क्योंकि अपोजिट एंगल्स ओके ये और ये अपोजिट एंगल हो गए हेंस ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी ए ए ए टेस्ट के साथ तीनों भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसलिए ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं हेंस ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू ए बी

फोर पॉइंट फाइव जो कि हमको पूछा गया था उसको हमने ढूंढ कर निकाल लिया ओके okay? इसके बाद है क्वेश्चन इज अ पैरेललोग्राम पॉइंट ई इज ऑन साइड बी सी पॉइंट ई बी सी पर है लाइन डी ई इंटरसेक्टर ए बी एट पॉइंट ई जो डी ई e है ये एक्सटेंड करने के बाद ये टी पर क्या हो रही है इंटरसेक्ट करिए प्रूफ करो कि DE इंटू बीई इज इक्वल टू सीई इन टू टी ई ये होता है आपको प्रूफ करना है तो चलो देखेंगे हम क्वेश्चन सेवन सो पैरलेलोग्राम है पैरलेलोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं पैरलेल रहते हैं सो इन ट्रैंगल CED डी एंड ट्रैंगल बीई टी सी ई डी और BET टी अब स्टूडेंट्स देखो कभी भी याद रखना कि ये एज ए ट्रेंगल लेते हैं तो यही ट्रेंगल क्यों लेना चाहिए दूसरे क्यों नहीं लेना चाहिए अब इसमें तो ये दो ही ट्रैंगल दिख रहे हैं चलो कोई प्रॉब्लम नहीं पर तीसरा क्या मिलता था ए डी टी भी मिलता था बड़ा ट्रेंगल तीसरा भी मिलता था फिर उसको क्यों नहीं लिया जो ट्रेंगल्स को हम सिमिलर दिखाने की कोशिश करेंगे यानी जिसको हम दिखा सकते भी है जिसमें कुछ ना कुछ तो भी हमको हिंट मिले वही ट्रायंगल्स हमको लेना है ये है पहली स्टेप और सेकंड जो गिवन है वो डाटा यूज करके कौन से ट्रैंगल मिलते हैं हमको वो भी इंपॉर्टेंट है तो ये दोनों चीजें अगर हो रही होंगी तो फिर वो ट्रैंगल लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए ये दो लिए हमने तो इसके अंदर फिर क्या होगा एंगल ई e, एंगल ई e, बता सकते हैं क्योंकि ये अपोजिट एंगल से अपोजिट एंगल्स एंगल ये ए -ए। ओके और उसके बाद एंगल बी कॉन्ग्रोन टू एंगल सी एंगल बी कॉन्ग्रोन टू एंगल सी दिख रहा है क्या ज़ैड और लाइंस पैरालल है इसलिए कौन सा हो रहा है अल्टरनेट एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स सो हेंस ट्राइगल्स C E D सिमिलर टू ट्राइगल्स B E T A A टेस्ट से दो एंगल भी अगर कांग्रुंट मिल गए तो वो ट्राइगल्स सिमिलर हो जाएंगे सो so हेंस C E अपॉन B E इज़ इक्वल्स टू D E अपॉन T E करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रोएंट ट्राइंगल मिलते हैं और चलो ये टी ई को इधर लेकर चलो सी ई इंटू टी ई इज इक्वल्स टू डी ई और ये जो बी ई है डिवाइड में ये क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई और यही तो हमको पूछा गया था जो पूछा वो हमने दे दिया उनको ये था हमारा क्वेश्चन सेवन उसके बाद है क्वेश्चन एट क्वेश्चन एट में ऐसी फिगर देकर है कि ए सी और बी डी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पर और ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी सो प्रूफ करना है कि एंगल ए बी पी सिमिलर है ट्रैंगल सी डी पी पे ओके चलो उसको प्रूफ करते हैं हम अब मैक्सिमम डाटा तो हमको ऑलरेडी दे दिया so, है उनको उन्होंने हमको सो हेंस ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी ये कहाँ से लिखी हमने क्योंकि क्या गिवन है ओके okay. और अब ए पी ये बीपी यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड बीपी इज इक्वल्स टू एसीपी यहाँ पर डिवाइड है यहां पर मल्टीप्लाई सीपी अपॉन डीपी सो फ्रॉम वन दे देंगे इसको नंबर फ्रॉम वन ओके सो इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल सीडीपी जो ट्रायंगल पूछेगा उसके लिए ही हम आ रहे हैं वापस कि एंगल पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी अपोजिट एंगल्स एंगल्स, ंगल्स एपी कॉन्ग्रुव टू सीपी बीपी कॉन्ग्रुव टू डी पी ये जो रेशो है अगर हमको ऐसा देकर रहता था ना तो हम इस पर आते थे अब हम उल्टा आ रहे ये देकर है, हम इस पर आए तो फ्रॉम इसको ये ये फ्रॉम वन लिए तो ये इसको इक्वेशन टू तो फ्रॉम टू कि भाई रेशो है तो वो तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही ना इसलिए तो रेशो कॉन्ग्रुएंट दिया इक्वल टू दिया है रेशो सो हेंस ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी सो एस ए एस टेस्ट इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते उसके बाद है क्वेश्चन नाइन्थ और क्वेश्चन लास्ट बोलेंगे हम उसको फिर से ट्रायंगल की फिगर हमको देख रहे हैं इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट डी बी सी पर है सच दैट एंगल बी ए सी इक्वल टू ए डी सी ये जो बी ए सी है ये ए डी सी है ये दोनों इक्वल है सो so, प्रूफ करना है सी ए स्क्वाज इक्वल टू सी बी इन टू सी डी ओके चलो प्रूफ करने की कोशिश करेंगे हम सो इन ट्रैंगल बी ए सी एंड ट्रैंगल ए डी सी एंगल बी ए सी कॉन्ग्रोन टू एंगल ए डी सी गीवन है ये देकर है एंगल ए सी डी एंगल ए सी बी क्योंकि ये कॉमन एंगल है देखो ए सी तो देख रही था। अब A, C, और एक ही तो एंगल की बात चल रही है ना तो कॉमन एंगल सो सी सिमिलर टू डी सी क्यू ए ए अब ये ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड हम क्या कर सकते हैं उनका रेशियो सेम ले सकते हैं सो हेन्स ca ए अपन सी डी इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी एके करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल अब ca ए ca सी ए सी ए स्क्र इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी और ये हमको पूछा गया था ओके okay? तो ये दिखता है उतना कुछ हार्ड नहीं रहता ये प्रैक्टिस सेट उतनी कुछ हार्ड नहीं थी आपको सिर्फ उसके टेस्ट पता होना चाहिए कौन से ट्रायंगल हमने सिलेक्ट करना चाहिए वो भी पता होना चाहिए ओके okay? तो so स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 1.3 होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन